सुपर साइक्लोन अम्फान भारत में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के करीब पहुंच गया है। हालांकि मंगलवार शाम तक ये कमज़ोर होकर अत्यंत भीषण तूफान में बदल गया, लेकिन इसके बावजूद ये तटीय क्षेत्रों में बड़ी तबाही मचा सकता है। अम्फान के आज दोपहर बाद तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। अम्फान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में खास सतर्कता बरती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान के उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने और बुधवार की दोपहर या शाम तक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के बीच दीघा और हटिया द्वीप के बीच से गुजरने की संभावना है। और तूफान में हवाओं की गति निरंतर 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे बनी रहेगी, जो बीच बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी और समुद्र से 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। महाचक्रवात आने से पहले ही ओडिशा में सुबह से कुछ हिस्सों में 82 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास चक्रवात ओडिशा के तट से टकराएगा। बालासोर के चांदीपुर में भी तेज हवाएं चल रही हैं। अम्फान ओडिशा समेत तट से सटे 8 राज्यों में तबाही मचा सकता है। इसके मद्देनजर बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा कि तूफान से एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आसन्न चक्रवाती तूफान अम्फान के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में कम से कम 3 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार ओडिशा से भी लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा कि महाचक्रवात अम्फान से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बल की कुल 41 टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन और अन्य संचार उपकरण भी हमारी टीमों के साथ हैं। हमारी तैयारी 1999 में ओडिशा तट पर आए चक्रवात का सामना करने जैसी ही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।